तो जैसे कि आप सब ये सोचते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है, किस टाइम हम वीडियो को अपलोड करें ताकि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहता है और उस टाइम अगर आप अपने वीडियो को पब्लिक करते हो तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाला है। तो इसलिए इन तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम से टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है, कब हम वीडियो अपलोड करें ताकि हमें ज़्यादा व्यूज आ सकता है, वो आपको दिखाने के लिए मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको सिंपली से अपने एनालिटिक्स पर चले जाना है या फिर आपको यहाँ पर व्यू मोड पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आपको सिंपली से आपको यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को एंड तक देख रही है, आपको ये वीडियो देखते देखते आपको वो ग्राफ भी मिल जाएगा। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आपको सिंपली से क्या करना है, आपको इस ग्राफ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली से दो ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर फ्यू व्यूअर्स और दूसरा मिलेगा आपको मेनी व्यूअर्स। आपको फ्यू व्यूअर्स में कम गार देखने को मिलेगा और मेनी व्यूअर्स में आपको कुछ ज़्यादा ही गार आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर चार टाइम हमें दिखा रहा है, 12 AM, 6 AM और 12 PM और 6 PM, यानी कि इसका मतलब क्या है और सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है आपको पता चलने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 12 AM यानी कि 12 बजे दिन का ही है 12 बजे, तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा गायब है, यानी कि इस टाइम अगर हम वीडियो को पब्लिक करेंगे तो हमें ज़रा सा भी व्यूज़ नहीं आएगा, एक भी व्यूज़ नहीं आएगा, हमारे वीडियो पर जीरो व्यूज़ रहेगा। और ऐसे ही अगर हम 6 बजे वीडियो को पब्लिक करेंगे सुबह के वक्त, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 6 AM में ज़्यादा एक्टिव नहीं है ऑडियंस और 7 AM में कुछ ज़्यादा है, कम से कम है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 8 AM में ज़्यादा नहीं है और 9 AM में वो भी नहीं है और 10 में वो भी नहीं है और यहाँ पर 11 AM में जो है एक्टिव ऑडियंस है हमारे और 12 पर जो है एक्टिव है। यानी कि मेरे व्यूवर्स का मतलब आपको ये है कि आपको जो गाढ़ा दिख रहे, ज़्यादा गाढ़ा दिखे वो आपके ऑडियंस जो है एक्टिव है, उस समय आपके ऑडियंस जो है वो एक्टिव है, इस टाइम आपको वीडियो पब्लिक करना चाहिए। जैसे कि हमारे ऑडियंस जो है कब एक्टिव रहता है, यहाँ पर 11 बजे और 12 बजे हमारे ऑडियंस जो है एक्टिव रहता है और वही हमारे ऑडियंस जो है 1 बजे डाउन हो जाता है और फिर से जो है 2 बजे थोड़ा अप आता है और इसी तरीके से 3 बजे भी डाउन जाता है और 4 बजे और 5 बजे जो है थोड़ा और आता है और यहाँ पर 6 PM में और 7 PM में हमारे ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए हम जो है अपने वीडियो को शाम के वक्त पब्लिक करते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देखे हो 5:30 बजे आपको देखने को मिला है। तो आपको भी यही करना है, मेनी व्यूवर्स में आपको जो कलर दिखा रहा है वो कलर जहाँ पर ज़्यादा गार हो आपको उसी टाइम पर आपको अपने वीडियो को पब्लिक करना है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो है SMT ये है, तो ये आपका दिन है, आपके ऑडियंस जो है किस दिन जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऑडियंस कब जो है एक्टिव रहता है और उस टाइम आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, यानी कि पब्लिक आप कर सकते हो। और रही बात, आपको ये फीचर तभी मिल पाएगा जब आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, यानी कि आपके चैनल पर जो है 100x100 व्यूज़ आएगा। और व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और वैसे ये वीडियो भी बुरा नहीं है, तो आप दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।